इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से बशीरबाग प्रेस क्लब में एक इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें ये फैसला किया गया है कि जो सियासी जमात उनके मुतालबात पूरे करने का वादा करती है तो उसकी हिमायत करने का ऐलान किया है। एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने बताया कि 2019 से एसोसिएशन अपने हक के लिए जद्दोजहद करता रहा है और इस बार भी तमाम सियासी जमातों के सरबराहान से इद्दा किया जा रहा है कि ईबीसी के लिए अलहदा कॉरपोरेशन का क्याम, कमीशन कायम करने, मिनिस्ट्री, स्टडी सर्कल व दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए। रविंद्र रेड्डी, ईबीसी नेशनल प्रेसिडेंट था। मैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास फॉरवर्ड कास्ट में जो पूर आदमी है उसके बारे में लड़ाई कर रहे हैं। 2009 में गवर्नमेंट के ऊपर लड़ाई करके फ्री एजुकेशन राजशेखर रेड्डी से दिलाया, अब भी गवर्नमेंट की एक वार्निंग दे रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी की एक वार्निंग दे रहे हैं। ईबीसी वालों की कौन सपोर्ट करे तो उसको मदद करने के लिए अपना ऑर्गेनाइजेशन है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को ईबीसी कॉरपोरेशन होना, कमीशन होना, मिनिस्ट्री होना और स्टडी सर्किल होना, ये कौन दिए तो उसको पार्टी की मदद हिम्मत करने के लिए अपना ऑर्गेनाइजेशन तैयार है और कौन अपोजिशन करे तो उसको हारने के लिए अपन लोगों फाइट कर रहे हैं। वही आप पॉलिटिकल मदद चाह रहे हैं या स्टूडेंट्स के लिए, इसके लिए चाह रहे हैं? नहीं, पूरा पॉलिटिकल मदद सपोर्ट करते, हाँ पूरा, हाँ स्टूडेंट के वास्ते, अनएम्प्लॉयज के वास्ते और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का बारे में पूरा फाइट करते।